खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कविनगर पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ के बाद लुटेरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर में 23 मार्च को दिन दहाड़े 24 कैरेट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस लूट का खुलासा करने में जुट गई थी। कविनगर पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ के बाद लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अंकित के पास से 1,00,000 नगद, सोने की चैन, तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दिनांक 23 तारीख को RDC में एक लूट की घटना जो है दो लोगों के द्वारा कारित की गई थी, जिसके संदर्भ में पुलिस द्वारा उसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था और काफी टीमें लगाई गई थी, जिसमें से आज मुठभेड़ के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उस घटना में शामिल एक व्यक्ति मुखर्जी पार्क औद्योगिक क्षेत्र कविनगर क्षेत्र एरिया में है, वहाँ पर उसकी मौजूदगी बारे में पता लगा, जिससे पुलिस के द्वारा घेराबंदी और चेकिंग की गई। उसमें एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसकी गतिविधि थोड़ी संदिग्ध रही। जब पुलिस ने उसको रोका तो मोड़ के उसने भागने का प्रयास किया, जिसमें वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। पैदल जब वो भागा तो पुलिस ने उसका पीछा किया तो पलट के उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने रिएक्शन में जो फायर किया उससे उसके पैर में गोली लगी, जो उसे भी संक्षिप्त समय में जो उसे पूछताछ हुई उसे हॉस्पिटल भेजा गया। उसने अपना नाम अंकित बताया है और इस बात को कबूल किया है कि वो उस घटना में शामिल है। बाकी पूछताछ अभी उपचार होने के बाद की जाएगी और जो विधि कार्रवाई है वो की जा रही है।